नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार गिरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। इसमें हम कई पार्ट में इसको डिटेल में पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो आज हम जनरल एग्रीकल्चर का पहला पार्ट पढ़ेंगे, और जो ये लेक्चर है ये डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, चाहे वो AIBPS एपो हो, नाबार्ड हो, NSC हो, यूपी कैटेट हो, शुगर कैन सुपरवाइजर हो, ICAR हो, JRF हो, या अभी UPPSC जो निकला है अभी जल्दी में जो फॉर्म आया है, इसमें भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस पार्ट वन में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिवोल्यूशन, जो एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप की विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियाँ आई हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये लगभग लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये BSc वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और वो लड़के जो रहे हैं यूपी कैटेट और BHU या ICAR की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवोल्यूशन पहला क्या है? गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं? जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर क्या है? ये जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कैसे? जूट जो होता है ये फाइबरस क्रॉप है, यानी कि रेशे वाली फसल है, और इसका कलर हल्का हल्का भूरे रंग का होता है। भूरा और गोल्डन हल्का हल्का दोनों एक ही जैसे का कलर होता है। जैसे ये जो कलर दिख रहा है ये इसी टाइप का जूट होता है, और समथिंग समथिंग ऐसे ही कलर किसका होता है? गोल्डन का होता है। तो इसी तरीके से हम याद कर सकते हैं कि गोल्डन यानी कि गोल्डन गोल्डन कलर का हल्का हल्का भूरा, यानी कि गोल्डन मतलब गोल्डन कलर तो अलग होता है, भूरा अलग होता है, लेकिन हम समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि हाँ इसी टाइप से कुछ कुछ होता है। जूट का रेशा और फाइबर मतलब रेशा, तो इससे हम याद कर सकते हैं गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन से संबंधित है। फिर अगला है गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? फ्रूट प्रोडक्शन से। फ्रूट प्रोडक्शन में मेनली किससे है? एप्पल से। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, गोल्डन मतलब गोल्डन एरा कह सकते हैं, यानी कि रंग बिरंगा, ऐसे याद कर सकते हो। रंग बिरंगा यानी कि जो फ्रूट क्रॉप है वो कोई 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 फल जो होता है लाल होता है, कोई फल पीला होता है, कोई फल हरा होता है, तो कोई फल काला होता है, ऐसे ऐसे कई कलर के हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? गोल्डन चमकीला, यानी ढेर सारे कलर, ढेर सारे कलर से हम याद कर सकते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक, एक तो गोल्डन फाइबर है वो जूट से है, और एक गोल्डन रेवोल्यूशन है यह किससे है? फ्रूट प्रोडक्शन से है। फिर है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति, हरा हरा, हरे का मतलब फूड ग्रेन प्रोडक्शन, धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा, चना, ये सब जितने हैं सब हरे हरे होते हैं, तो इनको हम ग्रीन रेवोल्यूशन में लेते हैं एग्रीकल्चर में। इनको जो हम फूड ग्रेन जो होता है, ग्रेमिनी क्रॉप की जो अनाज वाली फसलें हैं इनको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत रखते हैं। फिर ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन मैन्योर और फर्टिलाइजर से है। भूरे भूरे कलर के जो मैन्योर होते हैं, भूरे भूरे कलर के जो फर्टिलाइजर होते हैं उनसे हम याद कर सकते हैं ग्रे रेवोल्यूशन जो है मैन्योर और फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। परभनी रेवोल्यूशन, परभनी क्रांति ये ओकरा से है, भिंडी से रिलेटेड है। भिंडी की एक वेराइटी भी है परभनी, इसको हम याद कर सकते हैं। परभनी ओकरा की वेराइटी है, और जो परभनी क्रांति है ये किसके लिए है? भिंडी के लिए है। फिर अगला क्या है? पिंक रेवोल्यूशन, इसको हम कहते हैं पॉन प्रोडक्शन। ये प्रॉन प्रोडक्शन के उसमें यूज किया जाता है, पिंक रेवोल्यूशन ये पॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फिर अगला है रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन मतलब डिफरेंट टाइप के कलर। रेनबो मतलब सब कुछ, पूरा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जितने हैं, चाहे मेडिसिनल हो, प्लांटेशन हो, एरोमेटिक प्लांट्स हो, फूड ग्रेन, हार्टिकल्चर क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप, फॉरेस्ट्री वाली क्रॉप, पूरा ओवरऑल एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को हम किस में रखते हैं? रेनबो रेवोल्यूशन में। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1996 में स्टार्ट हुआ था। फिर अगला है रेड रेवोल्यूशन। जो मीट होती है ये भी लाल लाल कलर का होता है, और जो टोमेटो होता है ये भी लाल कलर का होता है, तो रेड को हम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, मीट और टोमेटो प्रोडक्शन को हम किस में रखते हैं? रेड रेवोल्यूशन में रखते हैं। फिर राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन कैसे? तो पोटैटो, पोटैटो जो होती है वो राउंड राउंड होती है, गोल गोल होती है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन से। फिर सिल्वर फाइबर। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, फाइबर होता है यानी कि रेशा, फाइबर
फाइबर मतलब रेशा, एक गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन था, तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो था वो जूट से था। अब ये सिल्वर वाला है, सिल्वर यानी सफ़ेद सफ़ेद होता है, सिल्वर चांदी सफ़ेद होता है, और फाइबर रेशे वाला, तो कॉटन जो होता है ये भी रेशा वाला होता है और सफ़ेद सफ़ेद होता है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि कॉटन के प्रोडक्शन से रिलेटेड है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। फिर सिल्वर रेवोल्यूशन, अब सिल्वर केवल लगा है तो अंडा भी सफ़ेद होता है, चांदी भी सफ़ेद होती है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अंडे का प्रोडक्शन। और जब अंडा प्रोडक्शन होगा, जब पोल्ट्री ज़्यादा होगी, पोल्ट्री यानी मुर्गियों की संख्या ज़्यादा होगी, तभी अंडे का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो एक प्रोडक्शन और पोल्ट्री प्रोडक्शन के अंतर्गत हम क्या रखते हैं, सिल्वर रेवोल्यूशन को रखते हैं। फिर सफ़ेद रेवोल्यूशन यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन किस में रखते हैं, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन को हम किस में रखते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन में। यानी अभी कोई पूछ ले कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो हम बता देंगे मिल्क प्रोडक्शन से। फिर येलो रेवोल्यूशन है, येलो रेवोल्यूशन किससे है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से। देखो चाहे सरसों का तेल हो, चाहे तिल का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, जितने भी तेल होते हैं इसमें कैस्ट्रॉल होता है, पीले पीले कलर का होता है। ये सब तेल जितने होते हैं वो अधिकतर पीले कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, येलो रेवोल्यूशन कहते हैं। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग माई क्लास। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस विथ स्मार्ट लर्निंग विथ शुगर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको एग्रीकल्चर से जुड़े और भी वीडियो आसानी से मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।